वैसे स्मार्टफोन के इस दौर में सेल्फी लेने में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन ज्यादा सेल्फी लेने वालों के लिए बुरी खबर है। अगर आप सेल्फी के दीवाने हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह आपको बीमार बना रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पहली बार सेल्फी से बीमार होने के मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली के दो अस्पतालों ने ऐसे 5 मामलों की पुष्टि की है। इन मामलों में किसी को सेल्फी साइड है तो कोई बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से ग्रस्त है। पिछले दिनों एम्स में एक लड़की ENT विभाग में इलाज के लिए पहुंची थी। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक वो अपनी नाक की सर्जरी के लिए आई थी। उसे अपनी नाक में दिक्कत लगती थी, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो नाक में कोई गड़बड़ी नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की शिकार थी। डॉक्टर के मुताबिक एम्स में अब तक ऐसे 3 केस आ चुके हैं। अब आपको बता दें हैं कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कैसी बीमारी है। दरअसल इस बीमारी में इंसान अपने चेहरे या शरीर के अंग से संतुष्ट नहीं हो पाता, अच्छा दिखने के लिए बदलाव चाहता है। सेल्फी के कारण लोग इससे ग्रस्त होते हैं। डॉक्टर के अनुसार फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेल्फी अपलोड करने की सनक से लोग इसके पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित लड़की ने इलाज के दौरान बताया था कि वो रोजाना 6 से 7 तस्वीरें अपलोड करती थी। दूसरे से अच्छा दिखने के कारण उसमें बार बार सेल्फी लेने की ललक बढ़ती गई। तो दिन में 10 से 20 सेल्फी लेने वालों के लिए ये एक चेतावनी है कि वो अपने इस शौक को शौक ना लगने दें। वैसे आपको बता दें कि सेल्फी लेने के शौक ने लोगों की जिंदगियां भी छीन ली है, तो आपकी सेल्फी कालचक्र ना बन जाए, ऐसे में जरूरत है कि आप होशियार रहें। देखते रहिए TV Live।